নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিলচরের অন্নপূর্ণা ঘাট দুধপাতিল বরাক সেতু নির্মাণ কাজ শেষ হবে না। চলতি বছরের 31 আগস্টের মধ্যে সেতু নির্মাণ কাজ করার শেষ সময়সীমা ছিল, যদিও বিভিন্ন জটিলতার জন্য কাজ শেষ করা সম্ভব হবে না। অ্যাপ্রোচের যেসব জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল এখন পর্যন্ত তারা ক্ষতিপূরণ পাননি, সেই সেতুর কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় রাস্তা ব্যবহার করতে পারছেন না। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা জানান নির্মাণ সংস্থা ডি টু শর্মা প্রাইভেট লিমিটেডের ম্যানেজার যুগেন্দ্র সিং। তিনি বলেন, নদীর সাইডে 64টি পরিবার জমির মূল্য না পাওয়ার জন্য বেড়া দিয়ে কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে গত 2019 সালে 87 কোটি টাকা ব্যয়ে বরাক সেতু নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল, কিন্তু করোনা আবহে গত 7-8 মাস নির্মাণ কাজ বন্ধ ছিল। গত 2 মাস থেকে নির্মাণ কাজ শুরু করলেও সেতু নির্মাণ কাজ নির্দিষ্ট সময় সম্পন্ন হবে না বলে জানান তিনি। देखिए ब्रिज का अभी हमारा दो केवल P2 P3 दो पॉइंट पे केवल काम चल रहा है, वो भी इसलिए कि वो पानी के अंदर का वर्क है, इसको हमको पानी के आने से पहले पहले निकालना है, इसलिए उस पर लगा हुआ है। लेकिन उसमें दिक्कत क्या आ रहा है फिलहाल? दिक्कत तो हमारी दूध पाटिल साइड में तो रास्ता नहीं खुली है क्योंकि बंद हुआ है अभी तक, तो हमको दिक्कत यही है कि मेरा मटेरियल नहीं आ पाता है। हम लोग घूम के गांव से होके और रिक्वेस्ट कर कर के ला रहे हैं कि हमारा काम हो जाए, उसमें भी बंदिशें हैं। गांव वाले कहते हैं कि थोड़ा सा ये कर रहे हैं, अभी मई में ये भी बंद कर देंगे। हमें तो ये लगता है कि हालांकि अप्रूवल हुआ है लेकिन वहाँ से फ़ंड रिलीज नहीं हो रहा है। फंड रिलीज हो जाए, इन लोग मिल जाए, तो इन लोगों की समस्या हल हो जाए, तो कुछ रास्ता खुलेगा, काम आगे बढ़ेगा, हम लोग आगे काम कर सकते हैं, बारिश में भी कर सकते हैं कि पीछे का हमारा जो 40 मीटर का स्पान है हम उसको डाल सकते हैं, अभी वो नहीं कर पा रहे हैं। इटखोला टाउन साइड में तो पब्लिक का पूरा जो घर बने हुए हैं वो अलाइनमेंट आ रहा है, तो उसका भी अभी तक कोई निपटारा हुआ नहीं। प्रॉब्लम वही है मुआवजे वाली। अब चूंकि मुझे इतना आइडिया नहीं, क्योंकि खास लैंड है तो खास लैंड का तो पैसा गवर्नमेंट नहीं देती है। अब चूंकि जो बिल्डिंग बनी हुई है उसके लिए क्या कर रहे हैं, हालांकि इन्होंने तो बजट में कुछ लिया था, लेके भेजा था, लेकिन अभी क्लियर हुआ नहीं उसका। सेम पोजिशन आपको क्या लगता है? हमारी दूध पाटिल साइड की प्रॉब्लम दूर हो जाती है तो हम लोग ये है कि ब्रिज का काम ये 22 जून तक कर देंगे, हो जाएगा। अभी तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा हम लोग अगर ये निकाल लिया कुछ, अगर पानी ने साथ दिया, बारिश नहीं जल्दी आई, तो ये P2 और P3 पर हमारा गैंट्री हम अगर चढ़ा ले गए तब तो हम जल्दी कुछ करेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर हमको फिर अक्टूबर नवंबर का वेट करना पड़ेगा। फिर हमको वही रिपीटिशन, मिट्टी भरो, रास्ता बनाओ, क्रेन लाओ, फिर ऊपर चढ़ाओ, ये सब फिर रिपीटिशन हो जाएगा। जैसे इस बार हमको रिपीटिशन पूरा करना पड़ा था, डबल खर्चा किया था। पर ये वो क्या कह रहे हैं, वो तो ये कह रहा है कि हम लोग लगे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जितने जल्दी हो जाएगा हम कर देंगे। हाँ, DC के बिल्कुल सारे पेपर तो उन्हीं के सिग्नेचर से जा रहे हैं। ब्रिज हमारा कंप्लीशन के अगस्त में कंप्लीट होना था, तो अगस्त में, क्योंकि एक साल तो हमारा कोविड की वजह से पूरा बंद रहा है, उसमें काम हुआ नहीं। इस सीजन में हमारा चालू हुआ है, ये वो भी दिसंबर से चालू हो पाया था। किसका पब्लिक पे आ गई, वो तो लोकल प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत आती हैं। लोकल अपने आदमी आते हैं, वो कह रहे हैं हम सप्लाई करेंगे, इससे क्यों ले लिया उसको, वो तो लोकल प्रॉब्लम है, उससे हम ज़्यादा नहीं जाते हैं, वो तो हम लोग खुद सॉल्व कर लेते हैं, क्या करेंगे डिपार्टमेंट से बार बार उस चीज़ को दोहराना। ब्यूरो रिपोर्ट, तोरुंगो TV।